क्वालिटी आ रही है स्टूडेंट्स की या शेफ्स की वो उतनी अच्छी नहीं है। हम लोग पोजीशंस हासिल कर लेते हैं पर कहीं ना कहीं जाके कोलैप्स हो जाते हैं और उसके बाद हमें आगे बढ़ने का भी बोल सकते हैं मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमने पोजीशन तो हासिल कर ली होती है, ठीक है जी, क्योंकि मार्केट में इतनी नौकरियां हैं, हमें मिल जाती हैं, हम लोग फटाफट से एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं या फिर हम लोग डीसीडी पीसीडी भी बन जाते हैं, पर हम उस जॉब को परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वहीं हमारे लिए जो आगे की राह है किसी एक अच्छे होटल में जाने की, नई नौकरी मिलने की, या सेम ही जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इवन अगर मैं बात करूँ कि भाई मैंने अगर फटाफट से मैं एक सीडीपी भी बन गया हूँ, उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन गया हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? जैसे कि अभी हमारे साथ भी वही हुआ कि भाई हम सारी पोजीशन हासिल कर ली, अब हम क्या करें? तो हम लोगों ने एज अ क्रिएटर यहाँ पे यूट्यूब पे आ गए या सोशल मीडिया पे आप आ गए। अब जो ये डीसीडीपी प्रोग्राम है वो इसलिए ही डिज़ाइन किया गया है कि जो ये डीसीडीपी सीडीपी है, इवन कॉमी वन भी इसको इनरोल कर सकते हैं, उससे नीचे के स्टूडेंट इसको इनरोल ना करें क्योंकि अभी उनका जो मेंटल लेवल होता है उतना हाई नहीं होता है। तो जो कॉमी वन है, डीसीडीपी है, सीडीपी है, शू शेफ है, वो भी इनरोल कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में वही सारी चीज़ें सिखाई जा रही होंगी जो कि आपको परफॉर्म करनी है अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, ठीक है जी। आप कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, किस भी कुजीन के हैं, आपको एक सेट इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई आपको यही करना है। जब आप वही करते हो, सिंपल लाइक अ फार्मूला हो सकता है, आप बोल सकते हो कि भाई ये एक फार्मूला है जिसको कि आपको दोहराना है। जब आप उस फार्मूले को दोहराते हो, ठीक है, तो आप एक सही ढंग से एज अ सीडीपी परफॉर्म कर रहे होते हो। और आप जब सही ढंग से अपनी सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हो तो जो आपकी ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, आपकी प्रमोशंस होती हैं, आपको और ज़्यादा ग्रोथ करने की इच्छाएं होती हैं, क्योंकि जब आपको जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाएगा तो आपको और कुछ नया करने का दिल करेगा। तो यही सारी चीज़ें जो हमारे मिनी एमबीए के प्रोग्राम में हैं, लगभग 30 क्लासेस ही हैं यहाँ पे हम लोग हैं, या आप बोल सकते हैं 30 घंटे का कंटेंट हमारे पास है जो कि आपको आपको एक साथ भी मिल जाता है, या आप चाहे तो आप 1-to-1 करके एक 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 दिन करके भी ले सकते हैं। जो इसमें बोला गया है आपको वही परफॉर्म करना है, आप देखेंगे कि आप अपने कैरियर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। ये मैं वीडियो अब बना रहा हूँ पर ऑलरेडी लगभग मैं बोलूँ तो 15 इनरोलमेंट्स हो चुकी है, 15 शेफ ऑलरेडी ले चुके हैं। अब यहाँ पे हैरानी की बात ये भी है जो ऑलरेडी सीडीपी हैं वो भी इसको ले रहे हैं। जयपुर में एक शेफ़ हैं, उन्होंने लिया है, अभी एक हमारे रत्नागिरी में शेफ़ है, उन्होंने लिया है। इवन इटली से मिलान में कोई शेफ़ काम करते हैं, नॉट मिलान, मैं सिटी का नाम भूल गया, इटली में है एक स्टूडेंट है जो कि ट्रेनिंग करने गया है दुबई में, उसने ले लिया है। इवन मैंने तो उसका डाला था। और यहाँ पे आपको अपने जो होमवर्क्स है जो 30 दिन में आपको सिखाया जा रहा है प्रॉपरली, आपको उसकी फाइल भी क्रिएट करनी है ताकि हमेशा आपको ध्यान रखें। वही सारी चीज़ें आपको खुद भी सीखनी है और फिर उसके बाद परफॉर्म करना है अपनी ड्यूटी पे। आप देखेंगे कि आपका लेवल अपने आप ही ग्रो ऊपर बढ़ने लगा है, क्योंकि क्योंकि अगर आप इस लेवल से ऊपर जाना चाहोगे, ठीक है जी, इस लेवल से ऊपर जाना चाहोगे तो आपको इन सब चीज़ों की समझ होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्ट वो भी इंक्लूड करा है, वो इंक्लूड करा है हमने अपने मेटावर्स का, जिसको कि मैं आपको सोशल मीडिया आप बोल सकते हो। एक एक कहा जाता है जब हम भी हम लोग इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, कुकिंग इज़ अ आर्ट, ठीक है जी, खाना बनाना एक कला है और एक साइंस है। तो खाना बनाने की जिसने भी इस खाना बनाने को कला समझा है वो एक लेवल पे जाके रुक जाएगा, पर जो इसमें साइंस ऐड कर लेगा, ठीक है जी, अपनी कला के साथ साइंस ऐड कर लेगा और दुनिया तक पहुंच जाएगा, उसके लिए दुनिया फिर अपनी बाहें खोल देगी।